हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में बात करेंगे हम जैव विकास और अनुवांशिकी एवं मानव रोग के। आज पार्ट टू है, पार्ट वन कल अपलोड किया था हमने। पार्ट टू की बात करेंगे, वन दरोगा के स्पेशल क्लासें चल रही हैं ये, ठीक है, टेस्ट सीरीज। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले है 20 तक हमने क्वेश्चन करा दिए थे कल की वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं वेस्ट में जाकर, ठीक है। तो आइए बात करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर 21 है एलिसा टेस्ट, ठीक है। एलिसा टेस्ट परीक्षण किया जाता है, जो एलिसा परीक्षण होता है वो किस लिए किया जाता है? एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग पहचानने के लिए, मधुमेह पहचानने के लिए और टाइफाइड पहचानने के लिए, ठीक है। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन सही है आपका, एड्स पहचानने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा की बीमारी होती है, ठीक है, खसरा की बीमारी होती है वायरस से, कवक से, जीवाणु से, माइक्रोप्लाज्मा से, ठीक है। किससे होती है खसरा की बीमारी? खसरा की बीमारी होती है वायरस से होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो प्रत्युर्जरता, वर्णनता, एड्स और गंजापन, ठीक है। तो कवक जनित कौन सा रोग है इनमें से? कवक जनित रोग है गंजापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया 24, क्वेश्चन नंबर 24, टाइफाइड और कालरा विशिष्ट उदाहरण है, किसके उदाहरण है? संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों से, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो किसके उदाहरण है ये हैं जलजन्य रोगों के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, जल से होते हैं, जल से फैल सकते हैं ये, ठीक है ना, फैल से। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, H1N1 विषाणु का, ठीक है, H1N1 विषाणु का समाचारों में निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख है, ठीक है, जो आजकल H1 और N1, ठीक है, H1N1 बीमारी का जो विषाणु है उसका समाचारों में निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख है? तो एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, डेंगू हो गया और स्वाइन फ्लू हो गया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, स्वाइन फ्लू, ठीक है। बीच में काफी चर्चा में था ये भी, ठीक है, आजकल जो चर्चा में है वो है बर्ड फ्लू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित प्रौढ़ों को एक सामान्य रोग होता है, ठीक है। रक्त में शकरा का उच्च स्तर, रक्त में शकरा का निम्न स्तर, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो कौन से हैं इसमें से, ठीक है, इसमें से कौन से हैं आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 1 और 3, ठीक है, 1 और 3, रक्त में शकरा का उच्च स्तर और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, रक्त में शकरा का उच्च स्तर, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा जो प्रौढ़ों को एक सामान्य रोग है ये, ठीक है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 27, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और काफी इजी क्वेश्चन, ठीक है। विकासवाद सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, ठीक है, डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 28, मुख्य, ठीक है, विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए गए गुण, लैंगिक जनन और प्राकृतिक वर्ण, ठीक है, कौन सा है यह? है प्राकृतिक वर्ण, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक है, विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक सामान्य मनुष्य मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है,
काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो कितनी होती है 43, 45, 46, 44, तो कितनी होती है 46 होती है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 30, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र, ठीक है, कौन सा गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी है। ठीक है, तो XO ट्रिपल एक्स हो गया, XX और XY, ठीक है, कौन सा होता है पुरुष में, डी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, एक्स और वाई होना चाहिए। ठीक है, आंसर सही है एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, जीव में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा और लाइसोसोम द्वारा। ठीक है, किससे ले जाए जाते हैं, ये ले जाए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक, ठीक है, अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है, जॉनसन, जी जे मेंडल, एफ बी मॉरिशन और मॉर्गन। ठीक है, कौन से हैं, जीजे ग्रोगर जॉन मेंडल हैं इसके आंसर नंबर, आंसर बी आपका सही है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल जो है अनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, मेंडल का अनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। ठीक है, किसके किस पर निर्भर है, किस पर आधारित है मेंडल का अनुवांशिकता सिद्धांत, तो ये है लैंगिक जनन पर। ठीक है, लैंगिक जनन ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेट होता है, ट्राइवेलेट के स्थान पर बाइवेलेट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डिप्थीरिया, मलेरिया, टाइफाइड और पोलियो। ठीक है, कौन से के लिए ORV देने का निर्णय लिया गया है, बाइवेलेट ORV देने का निर्णय लिया गया है भारत सरकार द्वारा, तो किसके लिए लिया गया है, ये है आपका आंसर पोलियो। ठीक है, पोलियो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, BMD परीक्षण पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप किया जाए क्या है BMD का। ठीक है, BMD की यहाँ फुल फॉर्म पूछी है, तो BMD की फुल फॉर्म क्या होती है, बोन मैरो डेंसिटी हो गया, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डिफिशियंसी, बोन मैरो डिफ्रेशन, तो है डिफ्रेशन। ठीक है, तो इनमें से क्या है, यह है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, बोन मिनरल्स डेंसिटी होता है BMD, बोन मिनरल्स डेंसिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, तो यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, यदि कोई मानवीय रोग जैसे आजकल COVID-19 फैला है, ठीक है, COVID-19 फैला है, तो इस कोई मानवीय रोग अगर विश्व में बृहत स्तर में क्षेत्र में फैल जाता है, काफी एरिया में फैल जाता है, तो क्या कहते हैं, जैसे कि COVID-19, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पेंडेमिक, एपेंडेमिक, एंडेमिक और एपिजूटिक। तो इसे क्या कहते हैं, आपने काफी सुना होगा, चर्चित शब्द है ये, कॉमन सेंस वाला और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, काफी चर्चा में है ये। ठीक है, तो इसे कहते हैं पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 37, ऑन्कोलॉजी संबंधित है, ऑन्कोलॉजी संबंधित है, तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, आंत्र ज्वर से। ठीक है, ऑन्कोलॉजी क्या होता है, ऑन्कोलॉजी कर्क रोग यानी कि कैंसर से संबंधित होती है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया तीव्रता एवं प्रतियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उपचार भी करता है। ठीक है, कारक रोग उत्पन्न करता है और उपचार भी करता है, तो तंबाकू, एल्कोहल, आयनिक
आयनीय विकिरण और परावैगनी विकिरण है, ठीक है। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, आयनीकरण, आयनीय जो आयनीय विकिरण होता है वो रोग उत्पन्न भी करता है और उपचार भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। अधिस्राव, अधिरक्त स्राव है, ठीक है, अधिरक्त स्राव है। अधिरक्त स्राव क्या है? एक जीवाणु घटित रोग है, एक विषाणु जनित रोग है, एक प्रदूषण घटित रोग है, एक अनुवांशिक विकार है, ठीक है। अधिरक्त स्राव है, एक अनुवांशिक विकार होता है, यह ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, एक अनुवांशिक विकार होता है अधिरक्त स्राव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर, ठीक है, गोल्डन आवर का संबंध है, गोल्डन आवर का संबंध कैंसर के अंतिम चरण में गर्भ में शिशु की जानकारी, हृदयघात से और वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से, ठीक है। तो किससे है गोल्डन आवर का, इस गोल्डन आवर का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर सी, हृदयघात से, ठीक है, हृदयघात से वो है गोल्डन आवर, यानी कि हृदयघात से संबंधित होता है, ठीक है। तो वीडियो सही लगी होगी आपको, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं आप और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अन्य वीडियो के लिए ज्वाइन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी शंकाएँ कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें वीडियो को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।